हेलो क्लास 11 कॉमर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे, दैट इज लेजर पोस्टिंग, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल ट्रांजैक्शन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और आज हम उन्हीं जर्नल ट्रांजैक्शन को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे या लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो सीखना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मेट बना है लेजर पोस्टिंग का या लेजर अकाउंट्स का, इसको समझ लेते हैं। पहले पहला कॉलम है इसमें डेट, फिर आफ्टर दैट पर्टिकुलर JF लिखेंगे। यहाँ पर आप देखते होंगे जर्नल में आप LF लिखते थे, लेजर फोलियो, यहाँ पर आएगा JF जर्नल फोलियो, देन अमाउंट कॉलम, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट कॉलम। लेजर पोस्टिंग में दो साइड होंगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट ये आपका डेबिट साइड कहलाएगा एंड डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट ये आपका क्रेडिट साइड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जर्नल में भी डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम होता था, तो यहाँ पर हम जर्नल से लेजर बनाना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में कुछ जर्नल ट्रांजेक्शन है, इनसे ही हमने लेजर पोस्टिंग बनाना सीखना है। और एक बच्चों का ध्यान दें कि जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उन सब के अलग अलग सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट है, पहली ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मीन्स आपने सामान खरीदा होगा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अभी इन दो ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट आए, एक कैश अकाउंट आया, एक कैपिटल और एक परचेस, तो इन तीनों के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। नेक्स्ट आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट नया अकाउंट बनेगा। आफ्टर दैट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, फिर आपका कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनेगा। और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट आपका अलग से बनेगा। तो सबके सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे आप लेजर अकाउंट्स उनके नेम से। तो स्टार्ट करते हैं, पहला अकाउंट जर्नल में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कैश अकाउंट का नाम लिख देता हूँ इस तरीके से, दैट इज अवर कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसका रिकॉर्ड करने का तरीका देखो या पोस्टिंग करने का तरीका देखो कि बच्चों जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ₹10,000 से, क्लियर है, तो आप लेजर पोस्टिंग के अंदर भी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान दें कि जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट है 10,000 से, तो आप लेजर में भी डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करेंगे, क्लियर। अब पोस्टिंग कैसे करनी है वो देखो कि कैश अकाउंट डेबिट है 10,000 से, तो 10,000 का अमाउंट रिकॉर्ड करना है सबसे पहले, क्या रिकॉर्ड करना है अमाउंट, तो अमाउंट किस साइड रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, तो दैट इज योर डेबिट साइड और अमाउंट कॉलम दिस इज, तो यहां पर आप 10,000 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, क्लियर। तो आपने अमाउंट लिख दिया, अब आती है बात पर्टिकुलर के अंदर क्या मेंशन करना है। हमेशा ध्यान रखें कि जिस नाम से आप अकाउंट बना रहे हैं, मींस कैश अकाउंट का नाम अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट कभी भी पर्टिकुलर में नहीं आता है, क्लियर। तो ध्यान रखो कि जब मैं पर्टिकुलर में लिखूंगा तो कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो कैश का जो रिवर्स नेचर का जनरल में अकाउंट लिखा है कैश अकाउंट जनरल में, उसके रिवर्स में जो अकाउंट है टू कैपिटल अकाउंट, इसको पर्टिकुलर के अंदर मेंशन करूंगा, तो यहां पर लिखेगा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द डेट 1st April 19। तो आपने ये कैश की एंट्री लेजर में पोस्ट कर दिए, आपको टिक मार्क भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000। अब सेकंड एंट्री में कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रखा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो लेजर पोस्टिंग के अंदर भी आप क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, तो डेबिट साइड ये रही और क्रेडिट साइड ये रही, तो मैं लेजर पोस्टिंग करना क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करूंगा और सबसे पहले अमाउंट को रिकॉर्ड करूंगा। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आप अमाउंट ही लिखेंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5,000 से, तो ये कैश अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है, और यहां पर मैं 5,000 अमाउंट लिख दूंगा, ये 5,000 अमाउंट लिख दिया। अब पर्टिकुलर में उसके रिवर्स वाला अकाउंट कौन सा है, परचेज, तो यहां बार आएगा बाय परचेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर कि डेबिट साइड में आप टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में आप बाय लिखते हैं लेजर अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम इसके डेट मेंशन कर देंगे 5th April 19, क्लियर। ये कैश भी आपका पोस्ट हो चुका है, ठीक है। जिस कैश को आप पोस्ट कर देंगे उस पर आप टिक मारते चले जाएंगे ताकि आपको याद रहे कि हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है,
ठीक है। तो अब आप लेजर पोस्टिंग के अंदर डेबिट साइड में ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट 4000, तो लेजर अकाउंट ये रहा आपका कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे 4000, क्लियर। और रिवर्स में अकाउंट आ जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, और डेट मेंशन कर देंगे 10th अप्रैल 19। नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे आप, ये कैश अकाउंट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्लियर। अब कैश अकाउंट फिर से डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज डेट आ जाएगी 12th अप्रैल 19। तो आपका ये कैश अकाउंट भी रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस बार कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 3000 से, क्लियर। अब रिवर्स में कौन सा अकाउंट आएगा, बाई सैलरी अकाउंट, ठीक है। अपडेट मेंशन कर देंगे 18th अप्रैल 19, क्लियर। अब आपने कैश अकाउंट पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करना सीखते हैं। जब भी हम किसी भी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसमें आपके पास अमाउंट के दो कॉलम्स हैं, एक डेबिट साइड का कॉलम है और दूसरा क्रेडिट साइड का कॉलम है। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि जो ग्रेटर साइड का अमाउंट का कॉलम है उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर डेबिट साइड में जो अमाउंट कॉलम है वो उसका टोटल ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम से। तो डेबिट साइड का जो कॉलम का टोटल है दैट इज कितना टोटल आएगा बच्चों, यहां पर 10 और 4 14 1 15। तो आप यहां पर एक लाइन या दो लाइन छोड़ के तब टोटल का बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, दैट इज 15000, और यही टोटल आप क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे सेम, और सेम रो पर सामने बिल्कुल, ठीक है 15000, ठीक है। तो टोटल के कॉलम जिस रो पे बनेंगे वो डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में दोनों बिल्कुल सेम लेवल पैरेलल होंगे, क्लियर, ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब आप देखेंगे क्रेडिट साइड में तो टोटल 15000 है नहीं, तो आपको यहां पर उसका बैलेंस निकाल देना है, ठीक है। अब बैलेंस कितना होगा, तो आप इस ग्रेटर टोटल में से इस स्मॉलर अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो मैं 15 में से 8 को माइनस करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 7000, तो मैं 7000 इस जगह लिखूंगा माइनस करके, और ये मेरे कहलाएगा बैलेंस। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सी, क्लियर हो गया, ये आपका बैलेंस कहलाता है, जो आपका बैलेंस है कैश का बचा हुआ लास्ट में। और इस बैलेंस की जो डेट मेंशन करेंगे वो करेंगे आप द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा जगह है पर 30th अप्रैल 19। अब इसी बैलेंस को आप ब्रॉड डाउन करेंगे, तो यहां लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 7000, ठीक है। और बैलेंस ब्रॉड डाउन की डेट हो जाएगी 1st मई 2019। तो बैलेंस सीडी जो आपका बैलेंस निकल के आता है माइनस करने के बाद वो लास्ट डे ऑफ द मंथ निकलता है, और जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आप करते हैं उसे नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिखते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिखेंगे, क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने बैलेंस सीडी को लिखा कैरी डाउन, सीडी का मतलब था मैं कैरी डाउन कि अब इसमें कैरी नीचे के ले जाएंगे, और बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन कि इस बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन नीचे लेके आए थे, क्लियर। तो ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। अब हम मैं कैपिटल अकाउंट यहां पर लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मेंशन कर देते हैं, यहां पर पहला कॉलम आपका डेट का रहेगा ताकि थोड़ा आपको डिफरेंशिएट होता रहे, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है। अब कैपिटल में देखेंगे सिर्फ एक ही एंट्री है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10000, तो लेजर पोस्टिंग में भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10000 से। तो आप यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, क्लियर। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 10000 से और क्रेडिट साइड में लिख दिया आपने बाय कैश अकाउंट, डेट आ गई आपकी 1st अप्रैल 19, क्लियर बच्चों। अब कैपिटल अकाउंट को भी आप क्लोज कर देंगे, तो आप देखेंगे
कि कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन थी तो लेजर में भी एक ही ट्रांजेक्शन आई। अब टोटल क्रेडिट साइड का 10,000 है और यहां पर कोई अमाउंट ही नहीं है, जीरो है, तो मैं सबसे पहले ग्रेटर साइड का टोटल करूंगा 10,000 और इसी टोटल को मैं पैरेलल यहां लिखूंगा। ठीक है, अब 10,000 में से जीरो को माइनस करूंगा, सिंपल जीरो आना चाहिए, 10,000 आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, लास्ट डे ऑफ द मंथ 30th अप्रैल 19 और 1st मई 19 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 10,000। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट भी टिक लगा दीजिए। अब नेक्स्ट अकाउंट आपका कौन सा है, परचेज अकाउंट। तो अब हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे यहां पर। तो मैं यहां पर परचेज अकाउंट को फॉर्मेट बना देता हूं फटाफट। आपको विजिबल होगा बेटा, क्लियर। अब ये परचेज अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। आप फॉर्मेट में पूरा डेट पर्टिकुलर अमाउंट सब लिखेंगे, यहां पर मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। तो अब हम परचेज अकाउंट को लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ है 5,000 से, तो डेबिट साइड आपकी इधर है और क्रेडिट साइड ये है। तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा 5,000 से, तो सबसे पहले अमाउंट कॉलम में लिखूंगा 5,000, ये डेट हो गया, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 5,000 से, तो रिवर्स में कौन सा अकाउंट आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट मैंने बच्चों 5,000 से डेबिट किया, कर दिया डेबिट। अब रिवर्स में कौन सा अकाउंट लिख रहा हूं, जो उसके परचेज के रिवर्स में कौन सा है, कैश। तो यहां पर रखा कैश अकाउंट और डेट मेंशन कर दिया 5th अप्रैल 19। अब परचेज अकाउंट को भी क्लोज करना है, सेम प्रोसीजर है परचेज अकाउंट को क्लोज करने का। बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देखो कि जब भी हम अकाउंट बैलेंसिंग या क्लोजिंग की बात आती है तो वहां पर हम रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, क्लियर, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटल करते हैं। तो नॉमिनल नेचर में आपका परचेज अकाउंट आता है, लेकिन यहां पर समझने के लिए हम उसको बैलेंस निकाल के दिखाएंगे कि हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो परचेज अकाउंट का सिर्फ डेबिट ही बैलेंस आना क्योंकि वो डेबिट साइड में है। तो यहां पर मैं इसका टोटल कर देता हूं, दैट इज 5,000 एंड दैट इज 5,000। तो यहां पर इसका बाई बैलेंस सी डी आ जाएगा 5,000 30th अप्रैल 19 में और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है, 1st मई 19 ये आपका परचेज अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और नेक्स्ट अकाउंट। हम कैश अकाउंट बना चुके हैं, अब हमारे पास आता है सेल्स अकाउंट। बच्चों यहां पर स्पेस कम था तो मैंने आप ऊपर का जो जगह था उसको रिमूव कर दिया है। अब हम सेल्स अकाउंट की एंट्री करेंगे लेजर में। तो सेल्स अकाउंट को मैंने नाम लिख दिया है और आपकी दो साइड हो जाएंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, सिंपल। अब सेल्स अकाउंट देखें, वही सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होगी। सबसे पहले मैं अमाउंट लिखूंगा, दैट इज 4,000। ठीक है, विजिबल है। अब सेल्स के रिवर्स में कौन सा अकाउंट लिखा बच्चों, कैश। तो यहां पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट और डेट आ जाएगी आपकी 10th अप्रैल 19। ठीक है, अब कैश सेल्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन अब मेरे पास नहीं है तो सेल्स अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट में देखेंगे डेबिट में जीरो टोटल अमाउंट है और क्रेडिट में 4,000 है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर दूंगा 4,000 और ये आ गया 4,000। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा, 4,000 में जीरो को माइनस करें तो 4,000 ही बैलेंस आना है। तो 4,000 आपका बैलेंस आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और लास्ट डे ऑफ द मंथ 30th अप्रैल 19। इसी बैलेंस को नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। बच्चों जिस साइड सीडी आता है उसको कहते हैं कैरी डाउन। तो कैरी सीडी को हम रिवर्स साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं हमेशा, ध्यान रखेंगे। जैसे यहां भी था कि क्रेडिट सीडी था आपका क्रेडिट साइड, तो ब्रॉड इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करा डेबिट साइड में। तो हमेशा कैरी डाउन को हम ब्रॉट डाउन करते हैं उसके रिवर्स साइड में। अब आपका नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो मैं यहां पर इसको इस जनरल एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। अब आपका यहां पर बनेगा
कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर बच्चों? दैट इज कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर? अब इसका फॉरवर्ड भर देते हैं। डेट पर्टिकुलर जी अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जी अमाउंट। ठीक है, अब कमीशन रिसीव किस साइड में बच्चों? क्रेडिट साइड में। टू कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी 1000 अमाउंट की। ठीक है, तो रिवर्स में कौन सा अकाउंट आएगा यहां पर? कैश, तो बाई कैश अकाउंट, और डेट आ जाएगी आपकी 12th April 19। ठीक है, कमीशन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं अभी हमारे पास, तो कमीशन अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल मैंने कर दिया यहां पर 1000, यही टोटल आपका 1000 डेबिट में आया। अब डेबिट को इक्वल कलाइज करना है, तो यहां पर 1000 टू बैलेंस सीडी आ गया 30th April 19 को, और 1st May 19 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1000। क्लियर? अब आपका कमीशन रिसीव अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट बनता है आपका सैलरी अकाउंट। इस सैलरी अकाउंट को भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब सैलरी अकाउंट के साइड में बेटे, सैलरी अकाउंट आपका डेबिट में, तो मैं डेबिट साइड में एंट्री करूंगा यहां पर। डेबिट साइड में कितने अमाउंट से? 3000 से। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ 3000 से, और रिवर्स में कौन सा अकाउंट आएगा? टू कैश अकाउंट, डेट आ जाएगी 18th April 19। तो आपका सैलरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब सैलरी अकाउंट को सिंपल क्लोज करना है, तो हम यहां पर से क्लोज कर देंगे। सबसे पहले टोटल करते हैं ग्रेटर साइड का 3000, इसी टोटल को मैं यहां लिखूंगा ग्रेटर साइड में 3000, बाई बैलेंस सीडी आ गया 3000, लास्ट डे ऑफ द मंथ 30th April 19, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इसे उतार देंगे 3000, नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ मींस 1st May 19। तो ये आपके लेजर अकाउंट्स कंप्लीट हुए। इन वीडियो को जरूर आप देखिएगा और इसे बार बार आप प्रैक्टिस भी करिएगा। मैं यहां पर आपको बच्चों कहना चाहूंगा कि जो जनरल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर चुके हैं उनके ही लेजर अकाउंट्स आप बनाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।